नमस्कार पिलामने पिलामने प्रीवियस वीडियो रे आमे 9th SCP रो प्रथम चैप्टर आमे चतुर्पार्श्वरे थिबा पदार्थ एवं से पदार्थर कणिकार धर्म विषय रे आलोचना करथिले ए वीडियो रे आमे पदार्थर विभिन्न अवस्था विषय रे देखिबा एवं से अवस्था जो विभिन्न अवस्था देखिबा तार कणिका माननकर कोन स्पेशल कैरेक्टर अछि से विषय रे डिस्कशन करबा तो हमर आज रे टॉपिक होउछि पदार्थर अवस्था पिला तुम्हें जानिछ जे पदार्थ को साधारणत तीनोटी अवस्था रे विभक्त करा जायछि गोटे होउछि कठिन अवस्था गोटे होउछि तरल अवस्था गोटे होउछि गैसीय अवस्था आमे एबे कठिन तरल एवं गैसीय ईच अवस्था को डिटेल रे देखिबा जे तार कणिका माननकर कोन धर्म हे परबो तो प्रथमे आसा देखिबा कठिन अवस्था विषय तम चैप्टर रे किछि सब अवस्था अंडर रे किछि किछि परीक्षा दैछि आमे से परीक्षा त करबा किंतु ता परीक्षा जति कि इम्पोर्टेन्ट नहु इम्पोर्टेन्ट होछि ता रिजल्ट तार कणिका माननकर कोन धर्म रहिला लास्ट क्वेश्चन तुमको सेही थरु आसीबो ओके तो प्रथमे आस कठिन अवस्था पहले सपोज गुड़िया कठिन पदार्थर तुम्हें नहीं के परीक्षा कर सपोज मु गोटे डस्टर नौची गोटे चक आउ मन कर गोटे लुहा कंटा गोटे ज्योमेट्री बॉक्स एमती चारटा जिनस नहींची मु देखी ताकू जेकोसी जगार रखिले तार आकार परिवर्तन हो मन कर मुझे तले रखिली ताक गोटे डबारे पुरे की रखिली ताकू नहीं कि छात उपर रखिली विभिन्न जगह गोटे प्लेट उपर रखिली जो भी रखिली तार आकार रे परिवर्तन हो तार आयतन रे परिवर्तन हो आयतन माने जान दर्घ्य प्रस्थ उच्चता तार जो मापटा तो से आयतन रे परिणत परिवर्तन हो ना ना होनी ताले प्रथम पॉइंट मुझे कौन लिखी ना कठिन पदार्थर निर्दिष्ट निर्दिष्ट आकार बा जहाँ को आकृति कहा जाए आकार आकृति ओ आयतन थाए ओके तुम्हें जितेबले गोटे कठिन पदार्थ को भांगिबाकु चेष्टा करछ बाड़ेकी हो टाणिकी हो छेंडेकी हो ताले अत्यधिक बल प्रयोग करिबा पले से भांगी जाउची किंतु निजर से आकार को सर्वदा बजाय रखुची ना नाही ताले सेकंड पॉइंट आमे लिखिबा कठिन पदार्थ सर्वदा सर्वदा निजर आकार को बजाय रखे बजाय रखे अर्थ तार आकार रे साधारणत परिवर्तन हुए नहीं तृतीय पॉइंट पिले मुदि ये कठिन पदार्थ मनकर चक अच्छी जो ये डस्टर अच्छी आ चकटा रखिली ये डस्टरटा कौन चक्रे मिसीगला कि मिसीजीव कि केदी गोटे जगार लुण आ गोटे जगार चीनी नेबी एवं गोले भी दी जगह मिसेई कौन से मैंने मिसीजे अर्थ मिसिले मैंने मिसी जाइए आम कौन कही विसरण कही था जदि मिसिले आम कौन कह कठिन पदार्थ कठिन पदार्थर विसरणर मात्रा अत्यंत निम्न ना नहीं ओके एवं तापर आस जदि पिले से भितर विसरण मात्रा अत्यंत निम्न विसरण डेफिनेशन मन पकाओ दुईटी भिन्न धरणर पदार्थर कणिका मानक अंतमिश्रण जदि दीटा कणिकार अंतमिश्रण हबो केतबले हबो ना जेतबले छे ये मन कर गोटे प्रकार कणिका अच्छी भितर किसी फांका स्थान अच्छी ता भितर आउ गोटे प्रकार कणिका आसी मिसी पारिला तो जदि फांका स्थान थी तेब जा विसरण हो पार जिते अधिक फांका स्थान थी से भलि विसरण हम जिते कम फांका स्थान थी से कम विसरण हम तेल आम जी कौन ये विसरण मात्रा अत्यंत निम्न तमें एटी अणु आणु भितर पार्टिकल पार्टिकल कणिका कणिका मध्य अंत कणिका स्थान बेसी अच्छी ना कम अच्छी ना ऑब्वियसली कम अच्छी आम लिखा कणिका मानक कणिका मानक फांका स्थान अत्यंत निम्न ओके अच्छा आउ कौन लिखिपरिया
तुम्हें ये जो कठिन यहाँ मन कर ड्रस्टर अच्छे या चिपिया चेस्टा कर संपीड़न करने को चेष्टा कर ये कौन चापी हो बिले संकुचित हो जो चक्टा को तुम्हें जी संकुचित करने को चाहिए कौन संकुचित होबना ताले कौन लिख तुम्हें ना कठिन पदार्थ संपीड़न संपीड़न मान संकोचन संपीड़न संकोचन क्षमता अत्यंत न्यून हुए पिले किंतु आम को देखा जाए नी कि से संकोचन क्षमता टा बहुत कम माने खाली आखि को देखा जाऊनि माने सेटा केते कम संकोचित होउछि तम भाई पार्थिव तो बा नाही सहित समान किंतु आमे लेखुचे कठिन पदार्थ संपीड़न क्षमता अत्यंत न्यून बा कम ओके एई भले किछि कैरेक्टर आमे लेखी परिबा आमे लास्ट को जेतेबेले तीनटा जक अवस्था पढ़ी देबा तापर गोटे पार्थक्य दर्शा भले लेखी आहुरी गुडिये पॉइंट भी तथे आड कर दे परिबा ओके तो एतिकि जनरली कठिन अवस्थार बा कठिन पदार्थर गुण ओके तापर तुम बही तुमको किसी क्वेश्चन पचारे कही तीनटा एक्सेप्शन उदाहरण देखिए यही तीन टा केस्रे केमी तुम ए पदार्थ को एक्सप्लेन कर मत बुझ तीन टा उदाहरण पे प्रथम उदाहरण से कहला जे आम कहले जे कठिन पदार्थ निज आकार को बजाय रखे निज आकार कौन सी प्रकार परिवर्तन आने नहीं किंतु तुम्हें जी गोटे रबर ब्यांड को नब से रबर ब्यांड को टाणी देवा फल से तो निजर आकार परिवर्तन करदे से कठिन पदार्थ ना कठिन पदार्थ नुहे बही तुमको क्वेश्चन पचारा तुम्हें कौन आंसर दब तुम्हें कह आम बल प्रयोग करने द्वारा तार आकार सामयिक परिवर्तन है सत किंतु पुणी बल को अपसारण करदे बल को बाहर करदे से पुणी निज जगह को फेरी आसब निज पूर्व आकार को फेरी आसब जदि तुम अत्यधिक बल प्रयोग कर तेज सीए छिंडी अर्थ से निजर आकार को पूरा बदल ते कणिका मान भर जो शक्ति थिला से शक्ति भांगी दबो किंतु से निज आकार परिवर्तन करई दबो नहीं तुम्हें जेपर्यंत बल प्रयोग करपर्यंत तार आकार परिवर्तन थिला तुम्हें जो बल अपसारण करद पुणी से निज ओरिजिनल रूप को फेरी आसला तम तर आकार परिवर्तन होते बल पर्यंत है जिते पर्यंत तुम्हें बल दल तमें से परिवर्तन को आम कौन कह आभासी परिवर्तन बोली कह आभासी माने बोले मिछ आमको देखा जा आकार परिवर्तन हेला भली टाणी देला बेलू किंतु एक्चुअली आकार परिवर्तन होना तले बल अपसारण करदे पुणी से निज आकार को फेरी आसला क्लियर ये गला प्रथम एक्सेप्शन तामने जदि रबर ब्यांड को टाणिले से निज आकार परिवर्तन करदे तथापि आम कठिन पदार्थ बोली कह कारण से परिवर्तन तार आभासी परिवर्तन ओके आभासी माने कौन जान पाला आभासी माने मिछ द्वितीय से कहूँ मन कर तुम्हें अध किले चीनी आईल बिले से अध किले चीनी को प्रथम यही भाया गोटे गोलिया बाक्स गोटे गोलिया डबा रख लगे अध किले चीनी केमी आकार धारण करेंगे ना एम गोल भाया आकार धारण करेंगे तापर तुम गोटे प्लेट रख लगे सी गोटे प्लेट रकार धारण कले तुम्हें गोटे सिलिंडर आकृति गोटे बाक्स रख लापर से अध किले चीनी सिलिंडर भाया आकार धारण कले तुम्हें तो बही तुमको पचारा तुम्हें कही जे कठिन पदार्थर निर्दिष्ट आकार अच्छी आकार को तो बदलाएन आम देखीदे आम कही तार निर्दिष्ट आकार अच्छी निर्दिष्ट आकार अच्छे मैंने आकार जहाँ रही थो सब अधिक गोटे रही थो कि आम देखुचे केत गोलाकार केतबाई समतल है केत सिलिंडर आकृति है चीनी को तुम्हें कठिन पदार्थ कहना कहनी तुम्हें कौन आंसर दब तुम्हें कह ये अध किले चीनी होल उपर सबू चीनी को मिसईदे हुए तो से माने आकार परिवर्तन किंतु होलटा तो गोटे पदार्थ नुहे ना ता मध्य प्रत्येक चीनी गोटे गोटे पदार्थ एवं से प्रत्येक चीनी को तुम एठी रख किंबा एठी रख सी निजर आकार परिवर्तन करिवे नहीं तेणु यह एक कठिन पदार्थ एवं ये कठिन पदार्थर समस्त गुण को मानुची एठी भी आभासी परिवर्तन होउची ना नहीं आमको लगुची हुए तो चीनी गुड़ा एठी गोल हो गले एठी समतल हो गले एठी सिलिंडर आकृति हो गले किंतु एक्चुअली होउचंती कि से माने निजे निजे निज आकार बजाय रखिंट एटि भी कौन परिवर्तन ला आभासी परिवर्तन आमको लगला तृतीय से कहला पुणी से कथा
जे आमे कहिले सर्वदा निजर आकार को बजाय रखिबो एक निर्दिष्ट आकार रखिबो से किंतु आमे जतले स्पंज कथा देखुचे से स्पंज को जतले आमे चापी दोउचे से तो चापी हे जाउची आमे गोटे पॉइंट कहिले जे कठिन पदार्थर संपीडन बा संकोचन क्षमता अत्यंत न्यून नाही किंतु आमे देखुचे गोटे स्पंज को तो आमे अति आराम रे संपीडित बा संकोचित करि दोउचे ताहाले स्पंज गोटे कठिन पदार्थ ना नाही तले तमे कोन एक्सप्लेन करिवो तमे कहिवो स्पंज केस रे कोन हला ना स्पंज भितरे गुडा ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଅଛି ଗୁଡ଼ାଏ ଏମିତି ରନ୍ଧ୍ର ଅଛି କୋଣା କୋଣା ହେଇକି ଅଛି ସେ ରନ୍ଧ୍ର ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲେ ନା ବାୟୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି ଯେତେବେଳେ ତମେ ତାକୁ ପ୍ରେସର ଦେଲ ଚାପ ଦେଲ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲ ତା ଭିତରେ ଥିବା ବାୟୁ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଲା ବାହାରିଗଲା ତ ବାୟୁ ବାହାରିଗଲା ମାନେ ସେଠି ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯାହାଫଳରେ ତମେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଫଳରେ ସିଏ ଚାପି ହେଇଗଲା ତମେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ବଳ ଅପସାରଣ କରିଦେବ ପୁଣି ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା ସେ ପୁଣି ନିଜ ଆକାରକୁ ଫେରି ଆସିଲା ତ ଏଠି ସମ୍ପିଡ଼ନ କାହିଁକି ହେଲା ନା ସମ୍ପିଡ଼ନ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ହେଉନାହିଁ ସମ୍ପିଡ଼ନ କିଏ ହେଉଛି ନା ସେ ଯେଉଁ ବାୟୁ ଥିଲା ସେ ବାୟୁ ବାହାରି ଯିବା ଫଳରେ ସେ ସମ୍ପିଡ଼ିତ ହେଲା କଠିନ ପଦାର୍ଥ ସମ୍ପିଡ଼ିତ ହେଲା ନାହିଁ ତ ଏଠି ବି କ'ଣ ହେଉଛି ଆଭାସୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ଆମକୁ ହୁଏତ ଦେଖାଯାଉଛି ତାର ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସଙ୍କୁଚିତ ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କ'ଣ ସଙ୍କୁଚିତ ହେଉଛି କି କାହିଁକି ସଙ୍କୁଚିତ ହେଉନି କାରଣ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଥିଲା ସେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନରୁ ବାୟୁ ବାହାରି ଯିବା ଫଳରେ ସିଏ ସଙ୍କୁଚିତ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ନିଜେ ସିଏ ସଙ୍କୁଚିତ ହେଉ ନାହିଁ ସେ ବାୟୁ ତାକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରେଇଲା କ୍ଲିୟର ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ଏଇ ତିନିଟା ଏକ୍ସେପସନ୍ ତମ ବହିରେ ଥିଲା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିପାରିବ କ୍ଲିୟର ତାହେଲେ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ତାର ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏବେ ଜାଣିବା ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ ତରଳ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବ ପିଲେ ସେମିତି ତମେ ଗୁଡ଼ିଏ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ନିଅ ମନେକର ପାଣି ନେଲ ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଲ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଜୁସ୍ ନେଲ କିଛି ଗୋଟେ ଏ ତିନିଟା ମନେକର ତମେ ନେଇଛ ତମ ଇଚ୍ଛା ତମେ ଯେଉଁଟା ନେଇପାରିବ ତମେ ତିନିଟା 100 ml ବିକର ନେଇଛ ପିଲେ 100 ml ବିକର ନେଇଛ ଆଉ ତିନିଟା 100 ml ଏମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ ପାତ୍ର ତିନିଟା ନେଇଛ ଓକେ ଇଏ ତିନିଟା ପାତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ଆଦରେ ତମେ ପକେଇଲ ପାଣି 50 ml ପାଣି ନେଇଛ ତ ଦାଗ ଦେଇ ସବୁଥିରେ ଅଛି 50 ml କେଉଁଠୁ କେତେ ଯାଏ ସବୁଥିରେ ତମେ ଦାଗ ଦେଇଛ ଯେ 50 ml କେତେ ତ ଆଧରେ ତମେ ପାଣି ଢାଳିଲ 50 ml ସିଏ ରହିଲା ଆଧରେ ତମେ ତେଲ ଢାଳିଲ 50 ml ସିଏ ରହିଲା ଆଧରେ ତମେ ଜୁସ୍ ଢାଳିଲ ସେ 50 ml ସିଏ ରହିଲା ଓକେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଆକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲ ତାପରେ ଆକୁ ଆଧରେ ଢାଳିଦେବ ତମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ଯେଉଁଟା ବିକର ଭିତରେ ରହି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆକାର ବିକର ଆକାର ଧାରଣ କରିଥିଲା ଏବେ ସେ ଆ ଭିତରେ ରହିବା ଫଳରେ ଏ ପାତ୍ରର ଆକାର ଧାରଣ କରିଦେଲା ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଯେ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନାହିଁ ସେ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ରହିବ ତାକୁ ଧାରକ ପାତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଧାରକ ପାତ୍ର ଯିଏ ଧାରଣ କରେ ସେ ଯେଉଁ ଧାରକ ପାତ୍ରରେ ରହିବ ସେଇ ଧାରକ ପାତ୍ରର ଆକାର ଧାରଣ କରିବ କିନ୍ତୁ ତମେ ଏଠି ଯେଉଁ 50 ml ପାଉଥିଲ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆଧରେ ଢାଳିଦେଲ ସେଇ 50 ml ଜାଗା ସେ ଅଧିକାର କଲା ନା ଅଧିକ ନା କମ୍ କଲା ନା ସେଇ 50 ml କଲା ତା ମାନେ ତାର ଆୟତନ ସମାନ ନା ନାହିଁ ନା ହଁ ସମାନ କାରଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତମେ ନେଇ ମାପିବ ତାର ଆୟତନ କେତେ ହବ 50 ml ହିଁ ହବ ତାହେଲେ ତମେ ଏଠି କ'ଣ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ଯେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନାହିଁ ମାତ୍ର ଆୟତନ ଅଛି ଆୟତନ ଅଛି ଆୟତନ ମାନେ କ'ଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଉଚ୍ଚତା ତିନିଟା ଯାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଆୟତନ କହୁ ତାହେଲେ ଏଠି ସେ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆୟତନ ଯଦି ଏଠି 50 ml ପିଲେ ସବୁ ଜାଗାରେ ତମେ ଯେଉଁଠି ନେଇ ମାପ ସେ 50 ml ହିଁ ହବ 50 ml ଜାଗା ହିଁ ଅଧିକାର କରିବ ତାର ଆୟତନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି ଅବସ୍ଥାଏ ଆକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ତମେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପାତ୍ରରେ ରଖିବ ସେ ସେଇ ପାତ୍ରର ଆକାର ଧାରଣ କରିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ପିଲେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ତରଳକୁ ତଳେ ଢାଳିଦେବ ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ବହିଯିବ ନା ନାହିଁ ଗୋଟେ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଚକ୍ଟାକୁ ତଳେ ଥୋଇଦେଲେ ସେ କ'ଣ ବହିଯିବ କି ବହିବନି ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଇ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବୋହିଯାଏ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବୋହିଯାଏ ଆଉ ଯେହେତୁ ବୋହିଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରବହ ପ୍ରବହ ମାନେ ହେଉଛି ଯିଏ ବୋହିଗଲା କ୍ଲିଅର ପିଲେ ତାହେଲେ ଯଦି ପିଲେ ସିଏ ବୋହିଗଲା ତାମାନେ ତାର କଣିକାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ସେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ବେଶୀ ଅଛି ନା କମ୍ ଅଛି ନା ଅଭିୟସ୍ଲି କମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କଣିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ
कम अटे जदि आकर्षण बल कम रहा फांका स्थान कौन हम ना अधिक रही थोड़ा फांका स्थान अधिक थाए जदि पे फांका स्थान अधिक रहा मुझे बुझेली जदि फांका स्थान अधिक रहा तो विसरण हो पार विसरण मात्रा अधिक विसरण मात्रा अधिक मन रख पे तरल पदार्थ रे कठिन पदार्थ विसरित हो पार तरल पदार्थ विसरित हो पार गैसीय पदार्थ भी विसरित हो पार जो दुईटी भिन्न भिन्न पदार्थर अंत मिश्रण आम कहते तरल एमती गोटे पदार्थ से निज सहित कठिन पदार्थ को मिसई पार गैसीय पदार्थ को मिसई पार तरल पदार्थ को भी मिसई पार तुम्हें चीनी रे ए पानी रे चीनी गोल दियो कठिन पदार्थ मिसीगला तुम्हें पानी रे मन कर आउ गोटे आउ चीनी पानी मिसई दल से भी मिसीजी कि जूस मिसेदेव पाने से मिसीजी मन कर तुम जो आमर पानी रे अम्लजान द्रवीभूत होम्लजान कौन पीले ना अम्लजान गोटे गैस गैसटा भी जल रे द्रवीभूत होने मिसिकी अच्छी से विसरण संभव हो पारा क्लीयर पे बुझेगा आम एति पॉइंट लिखिले आहरी गुड़ी भी पॉइंट लिखिपर आम आग को लिखा जितेबाला आम पूराटा पढ़ीपर ओके okay? कठिन पदार्थ पढ़ले तरल पदार्थ पढ़ले एवं आसिया गैसीय पदार्थ गैसीय पदार्थ पर गोटे परीक्षा अच्छी से परीक्षा रो आउ किछि हमको पॉइंट मिल गैसीय पदार्थ से कहिला जो सिरिंज देखि थियो बिले से सिरिंज आगुरु तार छुंचीटा को बाहर कर दियो ओके एई भलिया तीनटा सिरिंज तमे नेल आगुरु छुंची बाहर कर दैछ एवं तार मुहरे गोटे कॉर्क ठिपी दे बंद कर दैछ ओके प्रथम सिरिंज रे गोटे चखड़ी रखिच द्वितीय सिरिंज रे किछि जल रखिच तृतीय सिरिंज फांका रखिच एबे कौन करिवो तार पिस्टन टा भर्ती करिवो पिस्टन जान पर जो उतरे दबा जाए से पिस्टन टा भर्ती करके तीनटा जगह को चापीबा को चेष्टा करिवो ताले तमे मते कहि पारिवो जे कोउथिरे सबुठु कम चापी हम ना चखड़ी जो थे अच्छी जो चापी भी चखड़ीटा कठिन पदार्थ बेसी चापी हम ना तरल पदार्थ ताठ टे अधिक चापी हम जो थे किछि ना किछि ना मैंने भितर कौन अच्छी गैस अच्छी से सबुठ अधिक चापी हो पार ताने आम कहीपर तरल पदार्थ कौन हुए सबुठ अधिक संपीड़ित संकोचित हुए कठिन पदार्थ कम हुए ताठ अधिक तरल पदार्थ हुए सबुठ अधिक संपीड़ित संकुचित किए हुए गैसीय पदार्थ हुए बुझेगा पे अच्छा प्रथम पॉइंट आम जो समस्त लिखी थे गैसीय पदार्थ किसी आकार अच्छी पे समस्ते कह ना ना तार आयतन अच्छी कि आयतन गैसीय पदार्थ अच्छी आम कही तरल पदार्थ आयतन अच्छी कठिन पदार्थ भी आयतन थी गैसीय पदार्थ आयतन अच्छी सपोज पे मुझे एमएल र अंगारकाम्ल गैस नहीं बुझेगा से पांच एम एल रंगारकाम्ल गैस को मुझे गोटे पांच एम एल रंद डबा भितर पुरेली तले से गैसटा पूरा से पांच एम एल जगह को कभर करदेला ओके मुकूक गोटे दुई एम एल बक्स भितर पुरेबी से दुई एम एल जगह भी कभर करदेव पांच एम एल गैस था कि दुई एम एल रे भी जगह हो गला मुताकु नहीं गोटे सौहे एमएल बंद बाक्स भितर पुरेली से सौहे एमएल को भी तार जी कणिका पांच एमएल जी अंगारकाम्ल कणिका थी से सब अंगारकाम्ल कणिका एवं कौन करेंगे से सौहे एमएल टा को पूरा कभर करदे कठिन पदार्थ होते मन कर सी जदि तार आयतन मन कर सेंटीमीटर कि मीटर जब सेंटीमीटर क्यू होता से केवल पांच सेंटीमीटर क्यू जगह अधिकार करता तरल पदार्थ आम देखले से केवल पांच एम एल रगा अधिकार कला आउ सब फांका रहा जी आयतन से जगह अधिकार कला आउ फांका रहा एटी कौन तार आयतन जहाँ भी होता सीए जिते बड़ एरिया तुम डबार रख पात्र रख से सब एरिया को कभर कर सबू दैर्घ्य सब प्रस्त सब उच्चता को सी कभर कर तुम्हें जीक परिमाण नहीं था ताने आम कहीपर जे गैसीय पदार्थर निर्दिष्ट आकार तो न थाए निर्दिष्ट आकार न थाए आयतन भी न थाए आयतन न थाए
बुझला पिले आ ए जो गैसीय पदार्थ ए पात्र चारि पटे रहिला ये गैसीय पदार्थ जेहेतु अंक भितरे कोन जो आकर्षण बलटा कोन सबुठारु दुर्बल तो आकर्षण बल न्यून बहुत कम जेहेतु आकर्षण बल कम तो अनवरत से घुरी बुलुथिबे तो घुरी बुलुला बेले से माने परस्पर सहित धक्का खांती धक्का खाइले जणे आउ जणु कोन दबो प्रेशर बा चाप दबो एवं ए जो धारक पात्र जो पात्र रे से अछंती से पात्र रो कांथ रे भी जाई कि माड़ होथिबे बुलुसंती ना चारियाडे तो माड़ होथिबे माड़ हेले कोन हबो ना सी जो गैसीय कणिका गुड़ी को ये चाप रे माड़ हबा फळ ए जो पात्र रो कांथ रे माड़ हबा फळ रे से पात्र रो कांथ गोटे चाप प्रयोग करथिबे से चाप को आमे गैसीय चाप बोली कहिथौ ताहाले आमे कोन लेखिबा आमे लिखिबा जे गैसीय कणिका गुड़िक गैसीय कणिका गुड़िक धारक पात्र को देउथिबा चाप को कौन कहा जाए गैसीय चाप कहा जाए ओके पिले बुझला अच्छा जदि सेम कथा आम जो जो कथा एटी कहले से कथा एटी कहबा जदि आकर्षण बल अंकर न्यून ताले एमानक भितरे फांका स्थान बहुत अधिक थिबो ना हो थिबो ले फांका स्थान सबुठारु अधिक थाए तीनटा जाक अवस्था भितरे जदि फांका स्थान अधिक रहला ताले विसरणर मात्रा ना विसरणर मात्रा अंक पाखरे सबुठु अधिक विसरणर मात्रा मध्य अधिक बुझेला पिले ताले ए पॉइंट आमे कहाँ पाई लिखिले गैसीय अवस्था पाई लिखिले क्लियर ताले कठिन अवस्था पढ़िले तरल अवस्था पढ़िले गैसीय अवस्था पढ़िले एबे तीनटा जाक को मिसाई के लिखिबा परीक्षा परीक्षा सब सरीगला आमर परीक्षा जहाँ देते आम बहुत पढ़दे एबे आमे केवल रिजल्ट पढ़िया जोटा आमर परीक्षा रे क्वेश्चन आसीब तीनटा कलम करके आमे तीन जन विषय पढ़िबा गोटे हला कठिन गोटे हला तरल गोटे हला गैसीय ओके यार फास्ट पॉइंट पिले मु लिखली निर्दिष्ट आकार ओ आयतन थाए ओके तरल पाई लिखली निर्दिष्ट आकार न थाए मात्र आयतन थाए ओके गैसीय पाई लिखिली निर्दिष्ट आकार ओ आयतन किछि न थाए ना आकार थाए ना आयतन था सेकेंड पॉइंट बोले सेकेंड पॉइंट कौन लिखा ना सपोज आम लिखिले फांका स्थान कठिन पदार्थर कणिका मानक मध्य कणिका मानक मध्य फांका स्थान कम ओके बहुत कम एठी कणिका मानक मध्य फांका स्थान थाए ओके आठ अधिक थाए गैसीय पाई लिखिबी फांका स्थान बहुत अधिक थाए क्लियर फांका स्थान परे सपोज मु कथार्ता करिबा कणिका मानक भितर जो आकर्षण बल अछि पिले कणिका मानक मध्य आकर्षण बल बहुत अधिक एठी कम आकर्षण बल कम एठी न्यून जमा नहीं बोली कहिले चले बहुत कम बा तुम कम बहुत कम भी लिखिपर अच्छा जी आकर्षण बल अधिक तले दृढ़ता दृढ़ता अधिक
एठि दृढ़ता कम एठि न्यून पिले जदि दृढ़ता अधिक तले प्रबहता जणे जदि दृढ़ हला से केबे बहि जाय परिबे कि परिबनी तले प्रबहता प्रबहता हला कम एठि कोन प्रबहता अधिक कारण अंत कणिका बल कम एठि एठि प्रबहता सबुठु अधिक सबुठारु अधिक क्लियर भेले अच्छा जदि कणिका मानक भितर फांका स्थान कम ताहले एमानकर गतिज शक्ति विषय कोन कहिबो एमाने जो गति करंती से कणिका गुडा ना जदि आकर्षण बल अधिक हला तामने भलरे गति करि परिबेनी कारण समस्त समस्त को जाबुडी कि धरथिबे गति के करिवो गतिज शक्ति सबुठारु कम एठि गतिज शक्ति अधिक एठि गतिज शक्ति सबुठारु अधिक कार कणिका मानकर जदि गतिज शक्ति कम हला ताले विसरण मात्रा गति कले तो विसरण हबो दुटा कणिकार अंत मिश्रण घटिबो तो विसरण मात्रा न्यून विसरण मात्रा न्यून एठि विसरण मात्रा अधिक एठि सबुठारु अधिक ओके आउ कौन आम कथबार्ता करें विसरण देखिदे गतिय शक्ति देखले प्रबहता दृढ़ता देखले संपीडन संकोचन कथा देखिदे संपीडन क्षमता पिले संपीडन क्षमता न्यून नाही बोली लेखिबनी केबे कारण हुए संकुचित हुए आमको देखा जाएनी तो लेखिब न्यून बहुत कम एमानकर संपीडन क्षमता अधिक एटा होची सबुठारु अधिक ओके बुझेला पिले अच्छा आउ किछि विषय लेखि परिबा कि अच्छा सांद्रता मन रख पिले सांद्रता सांद्रता कहा को कुहा जाए ना एकक मन रख सांद्रता इक्वल टू वस्तुत्व बाय आयतन आम आगुक आ विषय आगुक चैप्टर मानक भलि पढ़ा एबे खाली जेहेतु सांद्रता विषय कहबी से कहीदे एकक आयतन प्रति थिबा वस्तुत्व को से वस्तुर सांद्रता बोली कहा जाए क्लियर एकक आयतन रे सपोज मु कहूँ गोटे सेंटीमीटर क्यू गोटे सेंटीमीटर दैर्घ्य गोटे सेंटीमीटर प्रस्थ गोटे सेंटीमीटर उच्चता यार भितर गोटे वस्तुर जी वस्तुत्व रहा से आम तर सांद्रता बोली कह ओके सांद्रता अनुसार गोटे वस्तु बुड़ब कि भासब से निर्णय करा जाए तो कठिन पदार्थ सांद्रता होची अधिक तरल पदार्थर कम बा मॉडरेट बोली कहा जाए मॉडरेट माने मझमझिया आ यार होची सबुठारु कम सबुठारु कम ओके बिले ताले ए सबु पॉइंट आमे लेखिदेले तो आमको जब इंडिविजुअली कठिन पदार्थर गुण पचारिबो तो आम इंडिविजुअली एति पॉइंट लिख दे पारिबो तुमको जो तरल पदार्थ पचारा गैसीय पदार्थ पचार तुम इंडिविजुअली समस्त लिख दे पार जब तुमको जेकोसी दुईटा भितर कंपेयर करा लगे तुम एमती मन रखी तुम दुईटा भितर कंपेयर करनटा विषय कंपेयर करोटाल होल तीन टा भर भी लिखि पार क्लीयर तो ये टेबुलटा आम कले या हूँ आज पाठर जिस्ट बा आज पाठर सार कथ आम आज एति विषय पढ़ीचे बुझेला पिले क्लीयर सब पॉइंट आम कभर करचे जदि मु को पॉइंटा छाड़ी जाइथिबी देन तमे सेटा टिके प्ले ऐड कर दबो ओके भाबुछु मु सब जक पॉइंट ऐड करछि जे जो पॉइंट आगुरु कहिथिली तो सेई सेई पॉइंट बिषरे आमे देखि देले क्लियर पिले ओके तले नेक्स्ट पार्ट रे आमे पदार्थर अवस्थार परिवर्तन विषय पढ़ा पदार्थर अवस्था पढ़ते कठिन तरल गैसीय एबे आमे देखिबा केमिति अवस्थारे परिवर्तन होउछि कठिन केमि तरल होउछि तरल केमिति गैसीय होउछि बा केमिति कोन होउछि को प्रक्रिया द्वारा हबो से विषय आमे देखिबा ओके थैंक यू जदि वीडियो तुम भल लगुछि पिले तबे तुम सांग मानक सहित बहुत रे बहुत शेयर करो एवं लाइक और सब्सक्राइब निश्चय करो धन्यवाद।